अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अभी मैं सोकर उठ रहा हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ और अभी भी मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे नशा हुआ हुआ किसी चीज़ का, दबा खा ली। तो अभी मैंने सुबह उठते मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट काटा है और मैं पी रहा हूँ दूध। आज मैं हेल्दी नाश्ता कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि दिन में भी हेल्दी चीज़ें लूँ। नंबर 0303 2856795। वो कचरा इतने निकाल रहा है उसकी तो मैं कचरा साफ कर ताकि नाली बने, इसलिए तो कचरा निकालने। हाँ, पत्थर वत्थर ये वो, ये सारे इतने इतने बड़े नीचे पत्थर निकले भाई, पूरी टाइल। एक हमारी कमेंट में क्या थी, ये बंदा ओके करेगा बस, अब तू इस बंदे को खुश कर। ये बंदे को भी कैसे समझाऊंगा बताओ, मुझे ये बताओ। अभी वो आगे तो जा, आगे जाला, गटर खुलेगा तो जाके होगा ना। ये एक हाथ देखो और एक हाथ मार के नहीं है, बीच में मैं घुसा हुआ था। आप डंडी से देखो मट्टी है कैसे घुमा के, डंडी ला के दिखा, मैं पंजी ला के दिखा। ये सरिया लगाओ, हाँ सर का मोई अतल का मोई है, इधर पाइप बड़ा है जा रहा है ऐसे करके, हाथ खाली है वो। एक दफा अंदर जाके दिखा देना हमें यार, यार मैं तो गुस्सा हुआ था। एक दफा और कचरा प्लेटों से मार मार के निकाल देना, इसकी तसल्ली के लिए कर देना यार, इसका दिमाग खाता रहे। उसको पता बच्चा मेरा वो जैसे काम, मेरे घर का भाई चाचू है मेरा, ये मैं कभी भी दो नंबर काम करके। ₹5,000 पाँच क्या, उससे तेरी बात नहीं करिए भाई, तेरे को तो ₹1,000 देने खाली। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वो पाइप देख, पाइप को अच्छा पानी जा रहा है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड भाई, क्या बात है यार। ये थैली जो पड़ी अंदर देख, ये निकाल इसका पाइप पे ऊपर, ये थैलियां यार, ये लाइन का क्या कल करेगा ना, अभी आज यहाँ लगा के कल जाऊंगा। 5,000 में वो बना के देगा? नहीं नहीं बना के नहीं, खड्डा मार के देगा खाली बस। ये नीचे तक, हाँ
ये यहाँ से ऐसे जा रहा था। हाँ, ये मोटा पाइप 2 फीट का था, ये सारा तोड़ दिया नीचे तक। इधर है ना, ये ऐसे जा रहा है ना। तो ये हमारे अपार्टमेंट का मेन गटर है, इसको फाइनली रिपेयर कर दिया गया है। अब जो बारिश का पानी हमारे फ्लैट्स के अंदर जमा होता था, तो अब इंशाल्लाह वो नहीं होगा। तो देखना ये होगा कि 2-4 अच्छे बारिश के स्पेल आएँ, तो फिर ये प्रैक्टिकली बात प्रूव होगी कि ऐसा होगा कि नहीं। बस होप लगाते हैं कि अल्लाह मालिक है कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो जो पिछले 2-3 सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के सीवरेज का जो सिस्टम है ना, वो इंतहाई जो है वो नाकिस है, जिसकी वजह से हर साल ये इशू आता है। तो जो नई यूनियन कमेटी है, उन्होंने जिस्मानी अगर हम बात करें एक्टिविटी की या फाइनेंस के हवाले से, दोनों में जो है ना काफ़ी फुर्ती दिखाई है, और कम टाइम में उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नमाज़ इशा की अदायगी के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने फुफ्फो के घर पे, और वहाँ पे जाके हम करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। ऊपर हम आते हैं ना चलते हुए, तो हमारा फूल जाता है सांस, तो अभी थोड़े से अनफिट चल रहे हैं, तो सांस को भी ज़रा नॉर्मल करके पानी वानी पी के हम खाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पहुँच के मैं ब्लॉग को करूँगा कंटिन्यू, तो यहाँ पर सीन चल रहा है डिनर का, तो हम खाना खाएँगे। और माशाल्लाह काफ़ी सारे आइटम हैं खाने में।